फोर देखिए, इसे हमें कितना के इक्वल प्रूव करना है, टू ए क्यूब बी क्यूब सी क्यूब के। चलिए इसका हम लोग एलएचएस लेते हैं। एलएचएस में देखिए दिया हुआ है, देखिए क्या दिया हुआ है, डिटर्मिनेंट ऑफ जीरो बी स्क्वायर ए सी स्क्वायर ए फर्स्ट रो है, सेकेंड रो है ए स्क्वायर बी जीरो सी स्क्वायर बी, थर्ड रो है ए स्क्वायर सी बी स्क्वायर सी जीरो। अब इसमें हमें कॉमन का खेल है, बस कॉमन लेना है। देखो ना इसमें क्या कॉमन है, यहाँ पर लिख सकते हैं टेकिंग आउट ए स्क्वायर बी स्क्वायर एंड सी स्क्वायर फ्रॉम सी वन सी टू एंड सी थ्री रेस्पेक्टिवली। ठीक है, ऐसा करने से देखिए क्या होगा, इसमें ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर को कॉमन करते हैं तो इससे क्या होगा, यहाँ जीरो बी सी ए जीरो सी ए बी जीरो, यही ना हो जाएगा आपका। कोई दिक्कत है इसमें? कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब इसके बाद फिर से कॉमन करते हैं। चलिए तो अब फिर से यहाँ पे लिखते हैं टेकिंग आउट ए बी एंड सी फ्रॉम आर वन आर टू एंड आर थ्री रेस्पेक्टिवली। ठीक है, तो इधर कॉमन हो जाएगा फिर से, देखो इसमें ए इसमें बी और इसमें सी, यहाँ जाएगा ए क्यूब बी क्यूब सी क्यूब, वे ना हो जाएगा कॉमन करने से, जीरो वन 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 जीरो वन 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 जीरो। चलिए अब इसका डिटर्मिनेंट वैल्यू निकाल लेते हैं, तो इसे लिख सकते हैं एक्सपेंडिंग अलोंग सी वन आर वन कुछ भी, एक्सपेंडिंग अलोंग आर वन। चलिए आगे देखते हैं, ए क्यूब बी क्यूब सी क्यूब है ना जी, ए क्यूब बी क्यूब सी क्यूब, यहाँ पर देखिए आर वन लिए, इसको ये तो जीरो छोड़ दीजिए, ये लेंगे माइनस का वन, ये रहो ये कॉलम हटेंगे, इन चारों का डिटर्मिनेंट वैल्यू वन 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 जीरो। फिर यहाँ प्लस का वन है, ये सब एलिमेंट हटेंगे, इन चारों का डिटर्मिनेंट वैल्यू वन जीरो वन वन। ठीक है, चलिए अब इसके बाद देखते हैं ए क्यूब बी क्यूब सी क्यूब माइनस वन इंटू में यहाँ जीरो माइनस का वन प्लस वन, यहाँ आ जाएगा वन माइनस जीरो। चलिए आगे देखते हैं ए क्यूब बी क्यूब सी क्यूब, यहाँ माइनस में प्लस का वन हो जाएगा, यहाँ भी प्लस का वन, वन वन टू हो जाएगा, तो टू ए क्यूब बी क्यूब सी क्यूब आ जाएगा। यही ना हमें प्रूव करना था, हमारा आर एच एस आ गया। चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 30।